बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िदान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 19 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां जोहरी जंग का ख़तरा और ख़दशा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका है और इस जोहरी जंग को रोकने की कोशिशें भी स्टार्ट कर दी गई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ और इस इजलास के मौके पर यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने किस तरह की गुफ्तगू की, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। टुडे we meet at a time when geopolitical tensions and mistrust have escalated the risk of nuclear warfare to its highest point in decades. The doomsday clock is ticking loudly enough for all to hear. From academics and civil society groups calling for an end to the nuclear madness, to Pope Francis, who calls the possession of nuclear arms immoral, to young people across the globe worried for their future, demanding change, to the Hibakusha, the brave survivors of Hiroshima and Nagasaki, among our greatest living examples of speaking truth to power, delivering their timeless message of peace. To Hollywood, where Oppenheimer brought the harsh reality of nuclear doomsday to vivid life for millions around the world. Madam President, humanity cannot survive a sequel of Oppenheimer. Voice after voice, alarm after alarm, survivor after survivor are calling the world back from the brink. And what is the response? States possessing nuclear weapons are absent from the table of dialogue. Investments in the tools of war are outstripping investment in the tools of peace. Arms budgets are growing, while diplomacy and development budgets are shrinking. Emerging technologies such as artificial intelligence and domains in cyber and outer space have exposed new vulnerabilities and created new risks. Countries are pouring resources into deadly new nuclear technologies and spreading the threat to new domains. And some statements have raised the prospect of unleashing nuclear hell, threats that we must all denounce with clarity and force. Nuclear weapons are the most destructive weapons ever invented, capable of eliminating all life on Earth. Today, these weapons are growing in power, range, and stealth. An accidental launch is one mistake, one miscalculation, one rash act away. And ultimately, all of humanity will pay the price. गुफ्तगु आपने सुनी यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस की। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इजलास बुलाया किसने था। ये इजलास बुलाया था जी जापान ने। जापान का आपको मालूम है कि हिरोशिमा नागासाकी जोहरी हमले जापान फेस कर चुका है, तो जापान ने कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा है और पूरी दुनिया जो है एक बड़ी जंग के किनारे पर आ चुकी है, तो ज़रूरी है कि इस बड़ी जंग को रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएँ। ना सिर्फ बड़ी जंग को रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएँ, बल्कि जो बड़ी ताकतें हैं जो बात बात पर जोहरी हथियार निकाल लेती हैं, उन्हें भी इस बात पर कायल करना ज़रूरी है कि वो अपने जोहरी हथियारों को ज़ाया कर दें, या फिर जो नॉन प्रोलिफ्रेशन जैसी ट्रीटीज़ हैं उन पर ये सारी की सारी ताकतें जो हैं वो दस्तखत करें, और जोहरी जंग से मुकम्मल तौर पर जान इसी तरह से छुड़ाई जा सकती है और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा इसी तरह से बनाया जा सकता है। अब जापान को कैसे ख्याल आ गया? जापान को ख्याल आया बेसिकली ये जो मीटिंग थी, ये रद्द अमल था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हमारी बात हुई कि जीत के बाद पुतिन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें रूस के सदर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड वेस्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि जो हरकतें आप कर रहे हैं, अगर वो हरकतें आपने बंद ना की तो फिर जोहरी जंग जो है वो बहुत करीब है। इसके बाद पुतिन ने रेड स्क्वायर के ऊपर एक और सेरेमनी चल रही थी, एक कॉन्सर्ट चल रहा था यहाँ पर, क्राइमिया की जो एनिवर्सरी है 10वीं एनिवर्सरी उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो यहाँ पर भी पुतिन ने उसी तरह की बोल्ड और प्लांट तकरीर की और वेस्ट को उनकी हरकतों का याद दिलवाते हुए पुतिन ने कहा कि अगर तुमने ये हरकतें बंद ना की तो रशिया तुम्हारे खिलाफ यूनाइटेड खड़ा है। और रशिया यूनाइटेड कैसे है, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये जो तीन बंदे आपको पुतिन के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये कौन है, इनको पहचाने? ये तीन वो कैंडिडेट हैं जो सदारती इंतखाबात में पुतिन के साथ जिनका मुकाबला था। इन्हें क्रेमलिन बुलाया गया,
इनको चाय पानी पिलाया गया, इन्होंने पुतिन को मुबारकबाद दी और फिर इन चारों ने इस कॉन्सर्ट के अंदर शिरकत करके एक साथ खड़े होकर वेस्ट को पैगाम दिया कि हम यूनाइटेड हैं, जितना मर्जी हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर लिया जाए लेकिन नेटो ममालिक कामयाब नहीं हो सकते। रशिया मुकम्मल तौर पर तैयार है जंग के लिए भी और अमन के लिए भी। अब जंग वाली बात को तो इन्होंने उठा लिया और उस पर इजलास इन्होंने तलब कर लिए, लेकिन गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि पुतिन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन की भी बात की और पुतिन ने कहा कि मैं नेगोशिएशंस के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, आप बातचीत की टेबल पर भी बैठ सकते हैं। ना सिर्फ पुतिन बल्कि जो पुतिन के इत्तेहादी हैं चाइना जैसे कंट्रीज, चाइना ने हामी भरी। चाइना ने कहा कि जो भी पीस मामूले पर इजलास तलब किया गया है, जो पीस समिट तलब किया गया है यूक्रेन की जानिब से, जो स्विट्जरलैंड के अंदर होगा, वहां पर चाइना ने कहा कि मैं शिरकत करूंगा। और आज चाइना की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई, चाइना यूरोपियन यूनियन को मनाने की कोशिश कर रहा है कि इस पीस समिट में मैं इस शर्त पर आऊंगा कि अगर आप रशिया को भी मदु करेंगे तो फिर इस पीस समिट का कोई फायदा होगा, कोई रिजल्ट निकलेगा और मैं रशिया की साइड से रशिया को मनाने की कोशिश करूंगा, आप यूक्रेन को लेकर आए तो फिर ये जंग जो है वो बंद करते हैं ताकि ये जंग एक चोरी जंग की जानिब ना जा सके। तो चाइना और रशिया नेक नियति के साथ जो है वो अमन के लिए भी तैयार हैं, और अगर अमन पर ये नेटो ममालिक राजी नहीं होते तो फिर जोहरी जंग के लिए रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जोहरी जंग में तो हम पूरे के पूरे नेटो कंट्रीज को मिनटों के अंदर शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन ये जो नेटो कंट्रीज हैं ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, हालांकि हालात इनके सामने हैं और इन्होंने बनाए हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये जो हालात हैं वो इन्हीं के बनाए हुए हैं और अभी भी ये तैयारियां कर रहे हैं। मैंने आपको इमेजेस कुछ आपको ये नज़र आ रहे होंगे, जो सैटेलाइट इमेजेस मैंने आपको कल भी दिखाए कि रोमानिया के अंदर एक बड़ी सी मिलिट्री बेस बनाई जा रही है और यूक्रेन के अंदर अपने फौजी भेजने की बात की जा रही है, नेटो को मज़ीद एक्सपेंड करने के लिए। नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग जो हैं वो दौरों पर निकले हुए हैं, जो कॉकेसस का एरिया है, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया के दौरों पर निकले हुए हैं, तो इनकी ये हरकतें बंद नहीं हो रही, ये एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इनके अवाम भी मुतमईन नहीं हैं, इनके अवाम ने भी साफ साफ कह दिया, एक सर्वे सामने आया जर्मनी के अंदर, तो जर्मन्स भी मुतमईन नहीं हैं, उन्हें अपनी आर्मी पर जो कि नेटो की आर्मी है उन्हें उस पर ट्रस्ट नहीं है, और वो ये कहते हैं कि हमारी आर्मी हमें नहीं बचा सकती। ना सिर्फ जर्मनी बल्कि फ्रांस के अंदर जो मुजाहरा मैंने आपको कल दिखाया, इस मुजाहरे का इख्तिताम कैसे हुआ ये मनाज़रा आप देख लें कि नेटो के फ्लैग को इन्होंने फाड़ कर जो है वो मैसेज दिया कि नेटो का ब्लॉक जो है वो जंगें छेड़ तो सकता है लेकिन जंग जीत नहीं सकता, स्पेशली रशिया के खिलाफ, तो ये मजाक बंद होना चाहिए। तो ना सिर्फ रशिया, चाइना, पूरे आलमी इदारे बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के जो अवाम हैं वो भी इन लीडर्स को जो कि अमरीका के पपेट्स हैं इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की बातों में आकर पूरे यूरोप को ऑलरेडी तुम बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हो, अब और आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन ये अमेरिका की गुलामी से बाहर नहीं निकल सकते, अमेरिका ने अपनी गुलामी के जाल में ऐसा जकड़ा है इन्हें। अमेरिका का जो निज़ाम है वो मैं आपको समझा दूँ कि अमेरिका का निज़ाम है क्या। अमेरिका ने इन्हें जंग में धकेल कर अब अपना असलहा बेच रहा है, अमरीका पोलैंड की जानिब से खरीदा जा रहा है, बाल्टिक स्टेट्स, फिनलैंड और स्वीडन जो हैं पूरा मन कंट्रीज थे, लेकिन अब इनकी जानिब से भी कुछ माहदे साइन किए जा रहे हैं, अमेरिका से जो असलहा है वो ये ममालिक भी खरीद रहे हैं। और ये बंदा जो आपको नज़र आ रहा है ये रिपब्लिकन सेनेटर है, ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंचा, एक बहुत काम का मशवरा इसने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दिया, इसने आकर पहले तो यूक्रेन के सदर इससे मिले और वही बात की जो इमदाद का बिल है $60 बिलियन से ज़्यादा जो अमेरिका की जानिब से अप्रूव नहीं किया जा रहा, ये रिपब्लिकन सेनेटर है, तो इसने यूक्रेन के सदर को बड़ा प्यारा मशवरा दिया। इसने कहा कि अगर आप इमदाद हटाकर, आप खुद कहते हैं ना कि मैं खैरात नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें डिफेंड कर रहा हूँ, तो उसकी फीस है ये, तो इस सेनेटर ने कहा कि अगर आप इमदाद हटाकर ये कह दें कि मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दे दो तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है कि रिपब्लिकन्स की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से आपको इंटरेस्ट फ्री लोन तो ट्रंप दे देगा और ट्रंप की पार्टी दे देगी, लेकिन खैरात इमदाद आप ना लेना चाहते हैं और ना आपको लेनी चाहिए। तो ये मशवरा देकर ये जो सेनेटर है ये कीव से रवाना हो गया। तो ये है अमरीका कि वो आपको जंगों में भी धकेलता है, आपके कंधे भी इस्तेमाल करता है और जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है
तो वो कहते हैं ये असलहा गोला बारूद है, ये मेरे से ख़रीद लो, चाहे उधार ख़रीद लो बाद में दे देना। और जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक है तो अब अमरीका की जानिब से यूक्रेन को सदर को ये कहा गया है कि इमदाद और खैरात छोड़ दो, वो तो तुम लेना भी नहीं चाहते, तुम हमारे से कर्ज़ा ले लो और हम तुम्हें सूद माफ़ कर देंगे। अब ये हरकतें अमरीका की ये रियलिटी और ये चेहरा देखने के बाद भी अगर यूरोपियन कंट्रीज़ रशिया को नहीं बुलाते बातचीत जो पीस समिट है वहाँ पर, या फिर इस जंग को बंद नहीं करते और फ्रांस के सदर की हरकतों को देखते हुए उनकी देखा देखी उनके पीछे चल पड़ते हैं, तो फिर ये जो अवाम हैं यूरोप के ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन्हें इनकी आर्मी पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि इनका जो दादा है वो अमरीका है और अमरीका की हरकतें कैसी हैं, तो वो हरकतें देखते हुए ये कभी भी ये जंग जीत तो नहीं सकते लेकिन ये पूरी दुनिया को ज़रूर मरवा देंगे। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।